नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम PMFME योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत फ्रोजन चिकन के प्रसंस्करण पर बात करेंगे। चिकन पोल्ट्री अन्य पक्षियों के मुकाबले सबसे लोकप्रिय मांस है। दुनिया भर में चिकन को किसी भी मांसाहारी व्यंजन में मुख्य आहार का स्थान दिया जाता है। प्रति 100 ग्राम चिकन में 219 कैलोरी, 24.68 ग्राम प्रोटीन, 12.56 ग्राम वसा, कम कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा सामग्री के संयोजन से चिकन लाल मांस की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। बेकिंग, ग्रिलिंग, बारबेक्यू करने जैसे विभिन्न तरीकों से आसानी से पकाया जा सकता है। चिकन दुनिया भर के शेफों का पसंदीदा भोजन है। आज के समय में लोगों का विश्वास फ्रोजन चिकन में और इसकी गुणवत्ता में बढ़ता जा रहा है। ताजा चिकन की तुलना में फ्रोजन चिकन उद्योग पहले से ही एक बड़ा बाजार और व्यापार क्षेत्र बन गया है। तो आइए अब हम फ्रोजन चिकन के बारे में और उसकी प्रोसेस के बारे में देखते हैं। मशीनें और उपकरण शेकलर्स वध इकाई या किलिंग कोन, स्केलिंग यूनिट या स्केलिंग टैंक, डीफेदरिंग यूनिट या डीफेदरिंग मशीन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही निकासी इकाई, चिकन काटने की मशीन, स्क्रू चिलर, पैकेजिंग मशीन, ब्लास्ट फ्रीजर और डी फ्रीजिंग यूनिट आदि की आवश्यकता होती है। क्षेत्र 500 पक्षियों के लिए स्थापित करने के लिए 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जल उपचार प्लांट, रेंडरिंग प्लांट, स्टीम बॉयलर, कोल्ड स्टोरेज, एक अर्ध स्वचालित प्लांट के लिए लगभग 1,000 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लागत 500 BPH का ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए लगभग 55 लाख रुपए की जरूरत होगी, जबकि 500 BPH का सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए 30 लाख रुपए की लागत आएगी। प्रक्रिया, प्रसंस्करण प्लॉट में मुर्गे को हैंडलिंग करना, पालना और फिर उन्हें प्रसंस्करण प्लॉट में लाने के लिए आधुनिक पोल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्रों में सावधानी पूर्वक निष्पादन और वध या हलाल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चिकन को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है और दर्द रहित तरीके से पहले उन्हें बेहोश किया जाता है और वध से पहले दर्द से अनजान किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के संदूषण से बचाने के लिए वध प्रक्रिया को बड़ी सफाई से किया जाता है। पक्षियों को उल्टा लटका दिया जाता है जिससे उनका अधिकांश रक्त बह जाता है। खून बहाने की प्रक्रिया के बाद उसे पकाने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। पकाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षियों को गर्म पानी में डुबाया जाता है जिसका तापमान लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो मांस को मुलायम करता है जिससे पंखों को आसानी से हटाया जा सके। इस प्रक्रिया के लिए पानी के सही तापमान की आवश्यकता होती है। डीफेदरिंग, अगले प्रक्रिया पंख हटाने की आती है जहां पंखों को विपथन द्वारा हटा दिया जाता है। उच्छेदन, चूंकि पक्षी के पंखों को हटाने के बाद उसके हर एक हिस्से का उपयोग किया जाता है, उसे एक निष्कासन रेखा पर भेजा जाता है जो आंतरिक अंगों और पैरों को हटा देती है। आंतरिक अंगों जैसे कि दिल,
लिवर और गुर्दे जैसी चीजों को हटा दिया जाता है। शीतलन प्रक्रिया, यह प्रक्रिया चिकन उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंख रहित और निकाले गए चिकन को एक स्क्रू चिलर में डाला जाता है। 30 मिनट माइक्रोबियल विकास को रोकने के लिए इसे कीटाणु रहित और स्वच्छ करने के लिए चिलर के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। ठंडा करने के बाद चिकन को आगे संसाधित किया जा सकता है। कटिंग, आगे की प्रक्रिया में आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से पैक किया जा सकता है। चिकन को आवश्यकताओं के आधार पर भी काटा जाता है। पैर, वक्ष और पंख के टुकड़े जैसे हिस्सों को फ्रीज करने से पहले बड़ी सफाई से काटा जाता है। चिकन के टुकड़ों को भी फ्रीज किया जाता है। सभी टुकड़ों को समान कटाई के बाद कुशलता पूर्वक पैक किया जाता है। पैकेजिंग, चिकन को साफ सामग्री जैसे पॉलिस्टायरीन पाउच, LDPE, लेमिनेट्स आदि में पैक किया जाएगा। पैकेज को कसकर सील किया जाना चाहिए। फ्रीजिंग, उत्पाद की स्थिरता बढ़ाने के लिए चिकन को पहले ब्लास्ट फ्रीजर में -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज किया जाता है और फिर कई महीनों तक डीप फ्रीजर में रखा जाता है। अब तक आपने जो देखा है वह PMFME योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत फ्रोजन चिकन वीडियो की आधुनिक प्रक्रिया है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों PMFME की औपचारीकरण योजना शुरू की है। योजना दिशा निर्देश के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारी वेबलिंक पर जाएं। धन्यवाद।